के जुमे की फजीलत जो है हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला सल्लम के तुफैल में मिली है, और ये जुमे की फजीलत जो है हमको हजरत आदम आला नबीना व हजरत व तस्लीम के तुफैल मिली है कि ये उनकी पैदाइश की एक यादगार है। एक हदीस मैंने आपको पहले भी सुनाई थी कि इसी दिन हजरत आदम पैदा हुए, इसी दिन हजरत आदम जन्नत से उतारे गए, इसी दिन हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए, इसी दिन हजरत आदम दुनिया से तशरीफ ले गए, और इसी दिन जो है लोगों की रूहें जो है आपस में मुलाकातें करती हैं, और इसी दिन जो है कयामत कायम होगी, फिर इसी दिन लोग जन्नत में जाएंगे। तो ये जुमे की जो है वो फजीलत है, और जुमे के फजाइल में से यह है कि सरकार ने फरमाया कि जो जुमे के दिन जो है खूब पाको साफ हो जाए, हजामत बनवाए, मूछे अपनी जो है तरशवाए, और अपने हजामत बाल वगैरह जो है अपने बनवाए, और उसके साथ साथ जो है वो नहाए और तेल लगाए और खुशबू लगाए, और फिर जो है अगर वो पहली साहत में जो है जुमे की आ जाए तो ऐसा है जैसे कि उसने जो है एक बड़ा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किया, और जो दूसरी साहत में आए वो ऐसा है कि जैसे कि उसने जो है वो चितकबरा और सींग वाला मेढ़ा जो है अल्लाह की राह में कुर्बान किया, और जो तीसरी साहत में आए वो ऐसा है जैसे कि उसने अल्लाह की राह में जो है एक मुर्गी कुर्बान की। लेकिन ये उस सूरत में है कि जबकि वो मस्जिद में हाजिर हो, और दो आदमी अगर बैठे हुए हैं तो उन दोनों को जो है वो मुतफर्रिक न करे, सफ को तोड़े नहीं, जहां उसको जगह मिले वहां पर बैठ जाए, और फिर खतीब के करीब हो, खुतबा देने वाले के करीब हो करके वो बैठे और चुपचाप बैठे। तो फरमाया कि जो ऐसा करेगा उसके लिए जो है एक जुमे से लेकर के दूसरे जुमे तक अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये है जो है वो जुमे की फजीलत है।